ये कैसा दिन चढ़ा है। चांद डूबे हुए अरसा हो गया, परंतु आकाश में सूरज उगने का तो कोई निशान तक ही नहीं। हाँ भैया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। श्री कृष्ण और बलराम प्रतिशोध की तक में बैठा राहु सूर्यदेव को निगल गया है और अपना मुख खोलने से इनकार कर रहा है। कैसा प्रतिशोध देवी? असुरों और देवों द्वारा किए गए सागर मंथन के पश्चात जब समुद्र से अमृत प्राप्त हुआ, असुर राहु भी छल से देवों के बीच जा बैठा और अमृत का एक घूंट भर पी गया। सूर्य एवं चंद्र देव ने ये देख तुरंत प्रभु विष्णु को सचेत कर दिया और इसके पश्चात कि वो अमृत का घूंट राहु के गले से नीचे उतर पाता, श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। राहु शरीर तो खो बैठा, परंतु उसका सर जो अमृत पीकर अमर हो चुका था, सूर्य और चंद्रदेव से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मांड में घूमता रहता है। चिंतित ना हो देवी, राहु ब्रह्मांड में जहाँ भी है हम उसे खोज निकालेंगे और सूर्य देव को सुरक्षित उसके मुंह से उगलवा कर ही लौटेंगे। ये रथ ले जाइए, राहु को खोजने में इससे सहायता होगी। हमें आज्ञा एवं आशीर्वाद दीजिए देवी। अपना कुछ मान बचाना चाहते हो तो सूर्य देव को छोड़ दो, वरना हमसे युद्ध करो। मुझे युद्ध पसंद है। राहु, अब युद्ध मात्र श्री कृष्ण बलराम से ही नहीं, हमसे भी होगा। कृष्ण, बलराम, आपकी सहायता के लिए आभारी हूँ। एक दिन आपकी धूप से वंचित हो, धरती पर जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम आपको वचन देते हैं श्री कृष्ण कि धरती कभी हमारी धूप और उजाले से वंचित नहीं होगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, अठारह, उन्नीस, बीस, मैं आ रहा हूँ। कान्हा, अरे कहाँ गया कान्हा? तुम गलत स्थान पर खोज रहे हो। अभी तो यही था। उदो, तुम
जानते हो ना कि केवल कान्हा ही नहीं, हम सब भी खेल रहे हैं। तुम सदैव उसी के पीछे क्यों भागते हो? इसलिए क्योंकि कान्हा सदैव हाथी नहीं आता, परंतु उसके बचने से मेरा एक लाभ अवश्य होता है। तुम कुछ ना कुछ अवश्य बोलती हो और मैं तुम्हारे स्वर्ग की दिशा में आकर तुम्हें पकड़ लेता हूँ। पकड़ लिया। नहीं, ये छल है। ये छल नहीं, तुम्हारी लापरवाही है। वो देखो, कृष्ण और बलराम वहाँ है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। ठाकुर दुरात्मान सिंह ने हमारी जमीन छीन ली है और उसके बदले वो 10-10 सोने की मुद्राएं चाहता है। ये बड़ा अन्याय है। हमारी ही जमीन हमसे छीनते हैं, फिर हम ही से मुद्राएं मांगते हैं। हम इतनी सोने की मुद्राएं कहां से लाएंगे? कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। ये तो घोर अन्याय है बलदाऊ, हमें कुछ करना होगा। आप सब चिंता ना कीजिए, कान्हा और मैं उस छली दुरात्मन से निपटते हैं। हाँ निष्ठुर, आप उसे दबोच दो। दुरात्मन, इन गरीब किसानों की जमीन लौटा दो। ठाकुर दुरात्मान सिंह को धमकाते हो मूर्ख बालक? निष्ठुर, कठोर, इन्हें सबक सिखाओ कि इन्हें ठाकुर दुरात्मान से कैसे बात करनी चाहिए। कुचल दो इन दोनों को। अब एक असली योद्धा से मुकाबला करके दिखाओ। हमें क्षमा कर दो, हम इन सबकी जमीन लौटा देंगे। यहाँ दोबारा दिखाई नहीं देना। कृष्ण और बलराम की जय। कृष्ण और बलराम की जय।